नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस चैनल होम आयुर्वेदा पर। तो आज हम बात करेंगे कि घुटनों और जोड़ों में दर्द क्यों होता है, और एक ऐसा तेल बनाएंगे जो कि घुटनों के दर्द को ठीक करने में बेहद असरदार है। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर आपको दर्द की समस्या नहीं है या फिर इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से आप ठीक हो गए हैं, तो इन फ्यूचर आपको कभी ये समस्या ना आए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि समस्या ठीक कैसे की जाए। तो इसके लिए हम एक आसान घरेलू नुस्खा बनाएंगे। इस नुस्खे के लिए हमें चाहिए होगा सौंठ, अजवाइन, लहसुन की 5-6 कलियाँ और लगभग 1 कटोरी सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल। तो इस नुस्खे को बनाना बहुत ही आसान है। पहले लगभग 2 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच सौंठ को आपस में मिला लें। तो दोस्तों, अब आगे आपको वही करना है जो आप हर रोज़ अपने घर में तड़का लगाते समय करते हैं, यानी तेल गरम करना है। तो पहले कढ़ाई थोड़ी गरम कर लें और अब तेल एक कढ़ाई में डाल दें और इसे धीमी आंच पर गरम करें। जब तेल थोड़ा गरम हो जाए तो आप इसमें लहसुन की कलियाँ और सौंठ और अजवाइन का मिक्सचर डाल दें। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर थोड़ी देर पकाएं। कुछ देर के बाद ये भूरे रंग का हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एकदम भूरे रंग का हो गया है, तो अब आप इसे निकाल कर छान लें। ये तेल पाँव में मोच आने पर, कलाई में दर्द होने पर, घुटनों में दर्द होने पर और गुम चोट ठीक करने में बहुत लाभकारी है। तो ठंडा होने के बाद आप इसे एक बोतल में डाल लें और आपका दर्द दूर करने वाला एक असरदार तेल तैयार है। तो अब देखते हैं कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसका इस्तेमाल आपको रात को सोते समय करना है, और एक बात का ध्यान रखें कि इसे कभी भी ठंडा इस्तेमाल ना करें। जब भी इसे लगाना हो तो इसे थोड़ा सा गर्म करें, घुटने, कोहनी या जहाँ भी आपको दर्द है या गुम चोट है वहाँ लगाएं और ऊपर से गर्म पट्टी बांध लें। इस तेल से मांसपेशियों की जकड़न दूर होती है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और मांसपेशियों के अंदर जो लिगमेंट टीयर होता है या फिर घुटनों की कार्टिलेज में जो अंदर टीयर होता है वो भी इससे ठीक होने में मदद मिलती है। अब एक बात का ध्यान रखें कि हमेशा हल्के हाथों से इस तेल की मालिश करें और ज़्यादा जोर ना लगाएं। खास तौर पर जोड़ों और घुटनों पर बिल्कुल दबाव ना डालें। तो अब देखते हैं कि जब आप इस तेल के इस्तेमाल से ठीक हो जाएंगे तो आप घुटनों और जोड़ों के दर्द को दोबारा होने से कैसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप मेरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और समस्या को रोकना समस्या को ठीक करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो घुटनों के दर्द होने के 2 प्रमुख कारण होते हैं। पहला, घुटनों में चोट का लगना, जो कि किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। अब एक बात का ध्यान रखें कि मैं फ्रैक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जॉइंट के अंदर कार्टिलेज के टीयर की बात कर रहा हूँ। इसमें घुटने अंदर से जख्मी हो जाते हैं और कभी कभी दर्द उठता रहता है। घुटनों के दर्द का दूसरा कारण होता है जांग की मांसपेशियाँ, जिसे हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, उनका कमज़ोर होना, जिससे चलते फिरते समय हमारे शरीर का वजन हमारी मांसपेशियाँ नहीं बल्कि हमारे घुटने उठाते रहते हैं। तो इससे समस्या ये आती है कि घुटने के अंदर की कार्टिलेज समय के साथ घिसती रहती है और ख़त्म हो जाती है, जिससे हमारी हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं और हमें दर्द होने लगता है। इससे जॉइंट में स्वेलिंग और जकड़न भी आ जाती है। मेडिकल भाषा में इसे डीजेनरेटिव एथराइटिस भी कहते हैं। तो इन दोनों केसेस में ही एक आसान सा डाइट में बदलाव और एक कसरत आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो पहले देखते हैं कि डाइट में बदलाव क्या है, क्योंकि ये समस्या मांसपेशियों के कमज़ोर होने से आती है। तो आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसमें प्रोटीन सही मात्रा में हो। तो आप खाने में दूध या अंडों में से एक चीज़ ज़रूर लें, और अगर ये दोनों ही नहीं ले सकते तो प्रोटीन सप्लीमेंट का सेवन करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या है तो पहले डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद डाइट में बदलाव करें। तो डाइट में छोटे से बदलाव से आपकी मसल्स को अपने आप को ठीक करने के लिए पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा और आपके जॉइंट्स पर स्ट्रेस कम होगा। तो अब देखते हैं कि वो कौन सी आसान कसरत है जिसे आप घर पर ही करके घुटनों के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं और इसे भविष्य में होने से रोक सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को कभी घुटनों का दर्द नहीं होता, और इसका कारण है टांगों की प्राकृतिक कसरत, जो कि पहाड़ी इलाके में अपने आप हो जाती है। अब आप प्लेन एरिया में जो एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि पहाड़ पर रहने के बराबर होगी, वो है सीढ़ियाँ चढ़ना। देखिए दोस्तों, सीढ़ियाँ चढ़ने से आपकी टांगों की मांसपेशियाँ ताकतवर बनती हैं और ये एक बहुत ही अच्छी घरेलू फिजियोथेरेपी है। तो जब आपका घुटनों का दर्द कंट्रोल में आ जाए, आप हर रोज़ 20 से 25 सीढ़ियाँ कम से कम 2 बार चढ़ा करें और उतरा करें। धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 8-10 बार पर ले जाएं। महिलाएं भी बिल्कुल सेम रूटीन फॉलो करें। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं
लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि पहले आपके घुटनों का दर्द कंट्रोल में आ चुका हो। इसके अलावा कुछ और बातों पर बेहद ध्यान दें, जैसे कि अपने शरीर का सही वज़न बनाए रखें। देखिए दोस्तों, जब हमारा वज़न बढ़ता है तो हमारे जॉइंट्स पर स्ट्रेस बढ़ता जाता है, तो हमें सही वज़न बनाए रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जॉइंट्स, खास तौर पर घुटने, हेल्दी रहें। इसके अलावा सिगरेट और शराब का सेवन ना करें और ऐसा खाना ना खाएं जिसमें शुगर ज़्यादा होती है। देखिए, सिगरेट में निकोटिन होता है जो कि एक अलग तरह के अर्थराइटिस का कारण बनता है। इसके अलावा अल्कोहल हमारी हीलिंग एबिलिटी यानी ठीक होने की क्षमता को कम करता है। यही असर तब देखने को मिलता है जब हमारी ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाती है। ज़्यादा ब्लड शुगर और अल्कोहल दोनों ही हमारी हीलिंग एबिलिटी कम करते हैं। तो जब तक आपके घुटनों में दर्द है, खाने में शुगर, फास्ट फूड और चावल कम लें और सिगरेट और शराब का सेवन भी ना करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो मैंने आपको टिप्स बताए उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करें और इससे आपको घुटनों के दर्द में ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इन फ्यूचर भी आपको घुटनों का दर्द कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और हेल्थ पर ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।